धर्म निरपेक्षता सामाजिक समरसता की धरातल पर देश में हालात क्या बदलाव लेने वाले हैं, क्या मोड़ लेने वाले हैं, नरेंद्र मोदी की भूमिकाएं कैसी रहेंगी और भारत की कैसी छवि दुनिया के सामने उभर कर आएगी? देखिए, भारत की छवि तो डेफिनेटली एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सोने की चिड़िया बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमारा देश, और कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत हो या बाकी उनके जो कार्य, मगर जो धर्म निरपेक्षता की बात है, एक बात तय है कि हम हिंदुस्तान यानी हिंदू धर्म जो है वो हिंदू धर्म के नाम पर अगर कोई अपनी रोटियां सेकना चाहता है तो गलत है, क्योंकि हम सनातन धर्म 80% लोग जो हैं सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। हमारा नाम हिंदू इसलिए पड़ा क्योंकि हम इंदू नदी के इस तरफ बसे हुए थे, इसलिए हम लोग हिंदू धर्म से हिंदू नाम से जाने गए। अदरवाइज सतयुग से लेके अब तक हम सनातनी हैं। मगर चांदनी जी, यहाँ पर एक बात पक्की है कि जिस देश ने भी धर्म की तरफ देखा है उसने तरक्की नहीं की। जर्मनी पकड़ लीजिए, चाइना पकड़ लीजिए, अमेरिका पकड़ लीजिए, जिन्होंने धर्म का फैनेटिज्म से कट्टरवाद से अनुसरण नहीं किया उन्होंने जर्मनी के जैसा, चाइना के जैसा, अमेरिका के जैसा तरक्की किया है। मगर यहाँ पर हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है, सेकुलर कंट्री है, इस सब धर्मों को एक तरफ लेकर चलते हैं, अनेकता में एकता जैसा धर्म है, मगर तब भी कहीं ना कहीं घर वापसी और कुछ धर्मों का हिंदू धर्म में परिवर्तन करवाने का ये जो क्रिया चल रही है उसके ऊपर डेफिनेटली मोदी जी को बहुत आलोचना सहनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं अंतर मन से मोदी जी आरएसएस के साथ में जुड़े हुए हैं, हिंदू विश्व हिंदू परिषद के साथ में जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं इनके साथ टैकल करने में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा।